आज कितने लोग हैं जो कब्रों से लिपटे हुए हैं और उनका अकीदा यह है कि कब्रों से मिलता है। ये सुनते हैं, अभी मेरे को गफूर साहब ने मिल चुका थे, वो एक साथ कहने लगे मुर्दे सुनते हैं, तो मैंने बोला मुर्दे बोलते हैं। और लोग उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं। बड़ी तरह से बैन की गई है, जिंदगी भर आदमी न जाने किनकी सवारियों में सफर करता है, ऑयलिस गाड़ी है और जाने कौन कौन सी गाड़ियां तो निकली हुई है, हर महीने आपकी गाड़ियां बदलता है, लेकिन आखिर में एक अजीब और गरीब गाड़ी में सवार होना पड़ता है जिसके पहिए अजीब होते हैं, पहियों की जगह पर आदमी जुटे हुए होते हैं। तो जनाजा जब जनाजा रख दिया जाता है वक्त हमारे हर विचार वाला आ रहा थी और लोग जनाजे को अपने कांधों पर उठा लेते हैं, तो अगर वो मुर्दा नेक है तो बोलता है, काल बोलता है, क्या बोलता है, अदमी जल्दी जल्दी मुझे ले चलो। यह हदीस बता रही है कि ज्यादा देर तक मुर्दों को घर में नहीं रखना चाहिए, जल्दी से उनको तुम्हारे पर पहुंचा देना चाहिए, अदमी मुझे जल्दी जल्दी ले चलो। वही कान गैर सवालिया दिन, अगर वो मुर्दा नेक नहीं होता, बुरे आमाल पर उसका खात्मा हुआ तो बोलता है, क्या बोलता है, या वही हमारी नहीं रघु नबिया, चमटे बजाते रहते आग में बुझाते थे। हजरत इमाम इब्न तैमिया ने एक दफा हामी भर ली थी कि जो तुम करोगे मैं करके बताऊं, बोले आग में दाखिल हो, आग में दाखिल हो गए। तो बोले एक बाबा है रिफाई, मर गया उसका मजार बन गया बहुत बड़ा, पहुंचा हुआ हजरत अभी तक काय का पहुंचा हुआ, कहां तक पहुंच गया, अरे बोले हजरत वो तो घोड़ों वाला बाबा हो गया। बोले घोड़ों वाला बाबा, बोले हाँ घोड़े जब बीमार होते हैं तो उसकी कब्र पर ले जाए जाते हैं और घोड़े कितने ही बीमार क्यों ना हो दुरुस्त हो जाते, सही हो जाते, अच्छे हो जाते, घोड़े वाले बाबा। कुत्ते शाह तोते शाह तो घोड़े शाह थे, घोड़ों वाले बाबा हजरत होता क्या है, कहा कि जब घोड़े बीमार होते हैं तो उनको ले जाया जाता है उसकी कब्र के ऊपर और जैसे ही कब्र पर पहुंचते फौरन उनको संडास शुरू हो जाता है, इतना संडास करते हैं, इतना संडास करते हैं कि उनके पेट में कुछ बचता नहीं है। हजरत ने फरमाया खुदा की कसम उस कब्र के ऊपर अजाब हो रहा है, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र वाले की आवाज जानवर सुनते हैं कि कब्र में क्या हो रहा है, उसके ऊपर शदीद अज़ाब हो रहा है और इतना शदीद अज़ाब हो रहा है कि घोड़े जब वहां पहुंचते हैं तो इतने डर जाते हैं कि फौरन उनको जुलाब चालू हो जाता है और जब जुलाब चालू हो जाता है संडास कर देते पेट साफ हो जाता है, अच्छे हो जाते हैं, इसलिए कि सारी बीमारी तो पेट ही से पैदा होती है, वो तो असल मरज की जगह तो मैदा है। इसी वजह से फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कुलू व शरबू व लम तुसरिफू, पूरे मेडिकल साइंस वाला तबारक व तआला ने तीन छोटे जुमलों में मुतय्यन कर दिया।
आओ पियो इसराफ ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया पेट के तेल से करो, जैसा हवा के लिए, जैसा खाने के लिए, जैसा पानी के लिए, तीनों ठूस लेते हैं खाने से, दुनिया भर की परेशानी नहीं होगी। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, ताकि मैदा खराब हो इसलिए कि मैदा ही बीमारियों की जड़ हो। तो वो घोड़े जब वहां ले जाए जाते हैं शिद्दत अज़ाब को महसूस करके सरदास करने लगते हैं, और जब पेट साफ हो जाता है छोड़ देते हैं। हजरत ने इस हदीस पाक से इस्तिदलाल किया तो उस कब्र के ऊपर अल्लाह, तो अगर ऐसा कोई इस्तिदराज रूनमा हो जाए खराब आदत चीज कि फला कोढ़ी सही हो गया, फला आदमी वहां बाबा के मजार पर जाकर के सही हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां बाबा की करामत जाहिर हुई है, कुछ ना कुछ तो है वहां। सुनिया जी, तो मुर्दे बोलते भी हैं। तो उसने कहा कि आपने हदीस तो पढ़ी कि मुर्दे बोलते हैं, लेकिन मुर्दों का बोलना समझ में नहीं आता। मैंने कहा मुर्दों का सुनना भी मेरी समझ में नहीं आता। तो बोला मुर्दे का बोलना समझ में नहीं आता। मैंने कहा मुर्दों का सुनना भी मेरी समझ में नहीं आता। अगर उसका ताल्लुक आलम बरजख से है तो सुनने का ताल्लुक भी आलम बरजख से हो, कैसे सुनते हैं न जाने कैसे बोलते हैं।